नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोदेहा थाने के जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक डॉक्टर की मौत हो गई है। वाहन दुर्घटना में ये मौत हुई है। बताया जाता है कि रफ्तार के कहन ने डॉक्टर को मौत की नींद सुला दिया। डॉक्टर जो कि भूरी बिजौरी क्षेत्र में वेटनरी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, आज जब वे वापस घर लौट रहे थे तो बीच रास्ते मारूताल के समीप हर्ष ढाबा के सामने ये वाहन दुर्घटना हुई, जहाँ पर डॉक्टर की बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डॉक्टर हरिनारायण नेमा को काफ़ी गंभीर चोट आई है। बताया जाता है दमो के रहने वाले हैं, जिसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से दमो जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। 20 मिनट के अंदर ही उन्हें दाखिल करा दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लगातार इस तरह के हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जब अज्ञात वाहन टक्कर मारते हैं और वाहन चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो जाते हैं। ये वाहन भी मौके से चालक लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि सागर की ओर ये वाहन गया है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही वाहन को ढूंढ निकाला जाएगा, ऐसा चौकी प्रभारी राम अवतार पांडे के द्वारा बताया गया। मामले में पुलिस के द्वारा छानबीन जारी है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटना घटी है, जानते हैं EMT 108 से। जी, हमारे लिए सूचना मिली 108 से और हम तुरंत पहुंचे। वहां देखा तो स्पॉट पर पड़े हुए थे। इनका नाम तो मुझे मालूम नहीं है क्या नाम है, पर एक हाँ नेमा डॉक्टर है, विक्नरी डॉक्टर है, भूरी बिजौरी में। और अभिजीत जैन से सूचना दी मुझे। कब की घटना है? हमको अभी 15-20 मिनट के अंतर से। किस चीज़ ने टक्कर मारी है इनको? ये फोर व्हीलर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ पता चला? ये मालूम नहीं है मुझे कहाँ जा रहे थे, पर ये बाईपास सागर नहीं, जलपुर रोड और बाईपास, सागर बाईपास के यहाँ ये घटना हुई। किस जगह? सागर बाईपास हर्ष ढाबा के पास। आपका नाम? मेरा रेखा अरवाल, EMT 108। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।